गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 24 अक्टूबर दिन वीरवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। बाकी सर के पास जो गाड़ी ये वाला सामने देख रहे हैं ये लगा है जी, और एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ प्याज का। कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिला सर के फर्म में। और बोर्ड पे नाम दिखा देता हूँ जी, शॉप नंबर 48 है, दर्शन लाल ग्रोवर के नाम से ये फर्म है जी। बाकी चलते सर के पास, जानते हैं जी किसी जगह का माला है, क्या बाजार चला जी और भाव में क्या कुछ तेजी मंदी देखने को मिल रहा है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आज का मंडी का अराइवल बता दीजिए। आज मंडी में टोटल गाड़ी कितना पहुंचा जी? ये लगभग 7-8 गाड़ी है। केवल 7-8 गाड़ी है जी, और बैलेंस वगैरह मिला करके टोटल गाड़ी कितना होगा? 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी जी, ओके। तो किस किस जगह का माल है, नया कितना है, पुराना कितना है जी? नया दो गाड़ी होगी, ज्यादा नहीं है नया। अच्छा, और कहाँ का माल आ रहा है जी समय नया? जी नया पुणे का आ रहा है, कर्नाटक आया नहीं आज। अच्छा कर्नाटक नहीं आ रहा जी, पुणे वाला आ रहा है, ओके। अभी राजस्थान भी यहाँ पे आ रहा है क्या अलवर का? अभी तो नहीं है, स्टार्ट नहीं है। अच्छा, और पुराने में सर जी किस किस जगह का माल आ रहा है जी यहाँ पे? एमपी आ रहा है, नासिक आ रहा है। एमपी नासिक और पुणे बेल्ट वगैरह, ओके। तो सर जी अपने पास जो ये गाड़ी लगा जी सामने, ये कहाँ का माल है जी? ये एमपी है, एमपी वाला है। तो क्या बाजार है, किस तरह का क्वालिटी है जी? क्वालिटी तो अभी फिलहाल जो आपने पलटा हुआ है इसमें तो फिर थोड़ा बहुत मजबूती है जी। हाँ, बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, तो क्या रेट है जी इनका? ये भैया 48 से लेकर 50। 48 से लेकर 50। 50 रूपए मेरे पास एक नंबर। अच्छा जी, एक बार दिखा क्योंकि सर जी एमपी वाला प्याज 50 रूपए सर बहुत ही कम देखने को मिलता है जी। ये प्याज कहीं देखने को मिलेगी? अच्छा जी, वाह जी वाह, देखो जी क्वालिटी देखो, एक बार दिखाता हूँ, अलग ही क्वालिटी है। एक बार फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ जी, देखो जी। मतलब एमपी का प्याज ऐसा देखने को शायद ही अभी तक मिला है। देखो छिलका पत्ती वगैरह सारा कुछ एकदम मजबूत है, कलर वगैरह एकदम ओके है जी। तो सर जी एमपी से तो अभी ऐसा लोड तो बहुत ही कम आ रहा है जी? नहीं आ रहा, मैंने आपसे पहले ही पूछा था, माल बहुत है अभी, माल नहीं कमी है। अच्छा हाँ, ठीक है जी, मतलब आप क्वालिटी वाले माल निकल रहे हैं? हाँ, बेस्ट क्वालिटी है जी। तो जैसे अपने पास ये गाड़ी लगा जी, मतलब कितने लोट होंगे इस तरह के? ये सारे मेरे पास ऐसी ऐसे ही है, सुपर गाड़ी है। ओके जी, तो हाईएस्ट 50 रूपए तक रहा। हाँ, नीचे में क्या रेट रहा जी? 48 रूपए। 48 रूपए। हाँ, बाकी पी उधर आगे पीछे है उधर 45-46 जैसे माल है वैसे। ठीक है जी, और एक एवरेज अगर पोजीशन निकाले मतलब फुल मार्केट का जो एमपी का माल आ रहा है तो क्या निकलेगा जी, एक रेशियो क्या निकलेगा? जो हल्के फुल्के माल है वो 40 से 45 के बीच में है। ठीक है जी, जो बढ़िया है वो 45 से 50। ओके, और नासिक वाले एरिया का क्या बाजार है जी? ये 45 से 47 रूपए, 45 से लेकर 47 रूपए। और पूना बेल्ट? पूना भी यही है, पूना 50 तक बिका है। अच्छा 50 रूपए तक बिका है जी, ठीक है जी। और आपका जो नया प्याज आ रहा है जी उसका क्या बाजार है? वो हल्के 35 रूपए से लेकर 45 रूपए तक, जैसा प्याज वैसा। 35 से लेकर 45 रूपए का बाजार है, ओके। तो अभी फिलहाल अगर एमपी का देखें, क्योंकि आपके पास मतलब अच्छा क्वालिटी देखने को मिला जी, तो इस तरह का क्वालिटी वाला माल अभी कितना हो सकता है सर? चलेगा दिवाली तक तो चलेगा। दिवाली तक चलेगा जी, और कल के मुकाबले आज बाजार यहाँ पे कैसा देखने को मिला सर? आज 3-4 रूपए की टाइट है। 3-4 रूपए टाइट है जी, ओके। तो आगे कैसा लग रहा है कि जो आगे बाजार किस तरह का रह सकता है? दिवाली तक तो ऐसे रहे। अच्छा, उसके बाद ऊपर नीचे हो तो पता। ठीक है जी, मतलब आगे और दिवाली तक जो है बाजार और टाइट होगा या फिर अभी यहाँ पे आकर के स्थिर हो सकता है या क्या होगा जी? दिवाली तक तो ऐसे चलेगा, उसके बाद 1-2 रूपए ऊपर नीचे, जैसे अब कैथा थोड़ा बहुत चालू हो जाएगा तो 1-1.5 रूपए ऊपर नीचे टाइट थोड़ेगा। अच्छा जी, लोकल प्याज चालू हो जाएगा। ठीक है जी, और ग्राहकी आज कैसा देखने को मिला जी? आज बहुत अच्छी है ग्राहकी। ठीक है जी, ओके। और अभी यहाँ पे सरकारी माल भी आ रहा है क्या? नेफेड जाजपुर वाला भेज देता है, ऐसे नहीं आता। अच्छा, तो सरकारी मालों का क्या बाजार चल रहा है? वही 40 रूपए 42 आया हुआ है, बिक रहा हूँ। अच्छा, 40 रूपए। ठीक है जी, नेफेड का। नेफेड का है जी, 40 रूपए, ओके ओके। और सर जी अभी क्या कहते हैं बेंगलोर साइड का क्या कुछ अपडेट है जी? उधर का प्याज मतलब बरसात से कितना डैमेज हुआ है, उधर का कुछ अपडेट है क्या? काफी डैमेज, जो गाड़ी आ रही है डैमेज ही आ रही है, बेचने का उसको मना कर दिया हमने। अच्छा जी, ये नहीं बिकेगा, ओके। मतलब लंबी लोडिंग लाइक नहीं आ रहा है, जो खेत से आ रहा है वो माल ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट जो खेत से आ रहा है? हाँ, जो डायरेक्ट खेत से आया वो माल हमारे पास आया था। अच्छा, वो माल बढ़िया आ रहा है, सूखा माल।
तो सर जी खेत वाले माल में और मंडी वाले माल में मतलब क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो मतलब सर जी वो भी खेत से मंडी में जा रहा है फिर मंडी से गाड़ी बन करके इधर आ रहा है, वो उसी दिन लोड हो जाती है, उसमें एक आधा दिन फालतू लग जाता है। अच्छा, मतलब दिन का भी बहुत अहम रोल है जी, अगर मतलब लेट हो गया तो डैमेज का ज्यादा दिक्कत बन जाता है। हां, जितने दिन खड़ी रहेगी उतना डैमेज होगा। अच्छा, तो सर जी क्या मैसेज रहेगा किसान भाइयों के लिए आपकी तरफ से, जो किसान भाइयों को इस समय किस तरह का क्वालिटी को निकालना चाहिए और किस तरह के क्वालिटी को रोके रखना चाहिए या फिर बेचते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? नहीं, अब तो बेचना चाहिए, अब नहीं तो धीरे धीरे उगने लग जाएगा। अच्छा, तो उससे क्वालिटी हल्की पड़ जाएगी, अभी बस दिवाली तक जितना है निकाल सके निकालना। ठीक है जी, मतलब अभी भाव भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है, हाँ है ना जी, और आगे चल करके दिक्कत भी हो सकती है, नहीं प्याज आ जाएगी फिर उसको कुछ पूछेगा नहीं। अच्छा, ये फर्क है, ये तो बस होटल वालों के लिए रह जाएगा जी, हाँ, ज्यादा होटल वालों का ही डिमांड बनेगा या फिर जो पुराने मतलब लेते हैं, बस बस है ना जी। तो सर जी अगर बात करें अलवर का, तो अलवर का क्या कुछ अपडेट है जी, उसका कुछ रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, अलवर ठीक है, सारी फसल अच्छी है। अच्छा, खूब चलेगी। ठीक है जी, साइज वगैरह कुछ अभी तक आया क्या? अभी छोटा छोटा साइज चल रहा है, बड़ा साइज अभी आया नहीं। अच्छा, अभी मतलब बड़ा साइज में टाइम लगेगा, लेकिन प्याज ठीक है। अच्छा, प्याज ठीक आ रही है, फसल अच्छा है जी। हाँ हाँ, वही भाव बिक रहा है 40 से 45, 46। ओके जी, भाव बिक। और जो ये नगर साइड का जो आ रहा है नया प्याज, तो इसमें कैसा क्वालिटी देखने को मिला जी? ये भी क्या कुछ उधर बारिश हुआ है क्या? हाँ, उधर भी बारिश चल रही है तो डैमेज थोड़ा आ रहा है, तो वो भी अब नहीं चल पा रहा। अच्छा, लंबी लोडिंग नहीं चल पा रही। ठीक है जी, मतलब एक तो आपका कर्नाटक आ रहा था, कर्नाटक में शिकायत आने लग गया, वो भी अभी यहाँ पे बंद हो चुका जी, और जो नगर का आ रहा था वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ। हाँ, बस अब वो एक आधी कोई गाड़ी आ जाए तो आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। अच्छा, वही आधा पुराना डाल देते हैं, वो आधा नया डाल देते हैं, इस हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है जी, मतलब मिक्स करके आ रहा है। मिक्स करके आ रहा है। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। शॉप दुकान नंबर दर्शनलाल ग्रोवर, शॉप नंबर 48, मोबाइल नंबर 9555 301300। धन्यवाद जी।